मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म में अगर किसी कैंडिडेट ने कैटेगरी फिल कर दी है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फिल कर दी है या फिर एससी एसटी कैटेगरी फिल कर दी है और उसके पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, या तो बना नहीं है या फिर वो जो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या उसको जनरल की सीट अलॉट होगी क्या? ये काफी सारे स्टूडेंट को डाउट है और मैं आपको बता दूं कि ये डाउट सिर्फ ये मेरे चैनल पर ही मिल सकता है, बाकी आपको इस डाउट का सॉल्व कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं सर्च करके देख लीजिए, कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का कोई इस डाउट के रिगार्डिंग वीडियो नहीं बना हुआ है। तो मैं आपको इस वीडियो में जो भी वर्ड बोलूंगा उसमें एक एक वर्ड में सच्चाई है, उस पर आप बिलीव कर सकते हैं। ये व्यूज बढ़ाने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बनाता हूं। बुक के बारे में बार बार इसलिए बोलता हूं कि ये स्टूडेंट की हेल्प हो सके, क्योंकि इस बुक से मेरे को कोई अर्निंग नहीं है। इसमें जो भी एक्सपेंस होता है इस बुक से ही जाता है। पिछली बार तो मैंने अपने जेब से भी इस बुक का एक्सपेंस दिया है और यूट्यूब से जो अर्निंग होती है वो मैं गरीब स्टूडेंट की स्टडी में खर्च कर देता हूं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि काफी लोग सोच रहे हैं कि मैं ये बुक का प्रचार बार बार क्यों कर रहा हूं, तो ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। अगर आपको भी डाउनलोड करनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी कर सकते हैं। इसको मैंने बड़ी मेहनत से लिखी है, आपके लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगी। तो अभी वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो मान लो आपने कैटेगरी फिल कर दी है और आपके पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस बार जो रिजर्वेशन का रूल लागू हुआ है, आप सबको पता ही है, ओबीसी का 27%, ईडब्ल्यूएस का 10%, एससी एसटी का पहले जैसा ही रूल है इसमें। तो ये रूल लागू होने के बाद में कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ेगा, इसमें ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट पर इफेक्ट पड़ेगा, जनरल कैंडिडेट पर भी इसका इफेक्ट होगा। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होने की कंडीशन में क्या होगा? तो अब हम यहां पर मान लेते हैं, मैं यहां पर मान के चल रहा हूं, यहां पर हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा की ही बात करेंगे हम, स्टेट की बात बाद में करते हैं, पहले ऑल इंडिया कोटा की बात कर लेते हैं। जो एमसीसी की काउंसलिंग होगी फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की ऑल इंडिया कोटा की, तो उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में मान लो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, अब यहां मैं मान के चल रहा हूं फर्स्ट राउंड के लिए 13,000 चली जाती है, ये कट ऑफ रह जाती है जनरल कैटेगरी के लिए। इसके बाद में ओबीसी कैटेगरी के लिए, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल ही बता रहा हूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 15,000। तो इस प्रकार से मान लो ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ चली जाती है, इस प्रकार से एग्जाम्पल के लिए है, फिर बता रहा हूं। अब ये जो कट ऑफ जाती है इसके अंदर जनरल कैटेगरी की मान लो 13,000 रैंक तक सीट मिल जाती है। अब जो जनरल के कैंडिडेट हैं इस रैंक तक आते हैं, इसके ऊपर वाली रैंक को सीट मिल जाएगी सभी जनरल के कैंडिडेट को, और आप सबको पता है जनरल के कैंडिडेट को कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें कैंडिडेट रह जाते हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैंडिडेट, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी कैंडिडेट, इन कैंडिडेट को भी इन 13,000 रैंक से जो ऊपर वाले हैं उनको भी जनरल कैटेगरी की सीट अलॉट होगी। वो कब तक अलॉट होगी? जब तक उनका 13,000 तक रैंक है, यानी कि अगर 13,000 से अबोव ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के कैंडिडेट भी रैंक में आते हैं तो वो जनरल की सीट उनको अलॉट होती है। तो इस कंडीशन में उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब एमसीसी का अलॉटमेंट होता है उसमें दो प्रकार की कैटेगरी लिखी आती है, एक होती है अलॉटेड कैटेगरी और दूसरी होती है कैंडिडेट कैटेगरी, मतलब कि कैंडिडेट की क्या कैटेगरी है और उसको जो सीट अलॉट हुई है वो कौन सी कैटेगरी में हुई है। तो अगर किसी कैंडिडेट, मान लो ओबीसी कैंडिडेट है
उसको जनरल कैटेगरी में सीट अलॉट होती है, यानी कि इसकी रैंक 13,000 से ऊपर है तो उसको जनरल कैटेगरी में सीट अलॉट होगी। तो उसको जब जनरल कैटेगरी में सीट अलॉट होती है उस ओबीसी कैंडिडेट को, तो उसको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मान लो 13,000 से लेके 14,000 तक ये कैंडिडेट हैं ओबीसी के, और इनमें इनको जो सीट अलॉट होगी वो कैटेगरी की सीट अलॉट होगी, यानी कि इनको ओबीसी कैटेगरी की सीट अलॉट होगी, और इस कंडीशन में उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा जब वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट के बाद में अलॉटमेंट लेटर लेकर के। उस अलॉटमेंट लेटर पे ये लिखा आएगा आपकी कैटेगरी क्या है और आपको कौन सी कैटेगरी के अंदर सीट अलॉट हुई है। अगर आपको जनरल कैटेगरी के अंडर सीट अलॉट हुई है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे ओबीसी के हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी में ही आपको सीट अलॉट हुई है, तो आपको यहाँ ओबीसी के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे ही कंडीशन ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए है। मान लो 15,000, ये तो 13,000 तक जनरल की चलेगी, अभी 13 से लेके 15,000 तक ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को सीट अलॉट होती है ईडब्ल्यूएस की, तो उनको भी इस कंडीशन में अगर उनको कैटेगरी की सीट अलॉट होती है ईडब्ल्यूएस की, तो कॉलेज में उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। तो ये तो बात हो गई सर्टिफिकेट की, जिनके पास में सर्टिफिकेट है या नहीं है, मतलब कि सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कब करना है। तो जनरल कैटेगरी की अगर सीट अलॉट होती है तो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है, अगर कैटेगरी की सीट अलॉट होती है तो आपको कैटेगरी की सीट में आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब हम यहां देखते हैं कि अगर मान लो किसी कैंडिडेट को, अगर मान लो किसी कैंडिडेट को ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की सीट अलॉट हो जाती है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या फिर एससी एसटी कोई भी सीट कैटेगरी में अलॉट होती है, ये सीट कैटेगरी में अलॉट होती है, कैटेगरी में अलॉट होने के बाद उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा। तो जैसे ही फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा, जैसे ही फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा, ये कैंडिडेट अलॉटमेंट लेटर लेकर के, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहां अगर इनके पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो इस कंडीशन में उनको एडमिशन इस सीट पर नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका जो एडमिशन हुआ है वो कैटेगरी सीट पर एडमिशन हुआ है और उनके पास उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस कंडीशन में वो सीट उनको नहीं मिलेगी, यानी कि उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फिर उनको सेकंड राउंड के लिए फिर ट्राई करना है, और सेकंड राउंड में अगर उनको फिर जनरल की सीट अलॉट होती है, तभी अगर कैटेगरी की सीट अलॉट होगी तो फिर उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो ये कंडीशन है कि इनको कब सीट मिलेगी और कब सीट कैंसिल होगी। अब मान लो किसी कैंडिडेट को, कैटेगरी में सीट अलॉट नहीं होती है फर्स्ट राउंड में, उसको जनरल की सीट अलॉट हो जाती है, ओबीसी कैटेगरी का है कोई स्टूडेंट है, उसको जनरल में फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाती है, और वो कैंडिडेट अपग्रेड के लिए ऑप्शन फॉर्म फिल कर देता है, उसकी कैटेगरी ओबीसी है, उसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, फर्स्ट राउंड में उसने एडमिशन ले लिया है, अब इस कंडीशन में अगर सेकंड राउंड में उसको ओबीसी की सीट अलॉट हो जाती है, तो फर्स्ट राउंड की सीट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, लेकिन जब सेकंड राउंड में ओबीसी की सीट पर वो एडमिशन लेने जाएंगे तो उन्हें ओबीसी का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, अदरवाइज वो सीट कैंसिल हो जाएगी, आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट हो जाएगी। तो ये कंडीशन है कि अगर आपके पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो ऑल इंडिया कोटा की कंडीशन में क्या होगा। तो अभी करेक्शन चल रहे हैं, आपने अपने कैटेगरी के अनुसार ही कैटेगरी फिल करनी है, आपके पास में सर्टिफिकेट है
तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कैटेगरी फिल कर दें। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लीजिए, अभी भी 10 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप सर्टिफिकेट बना के इसमें फिल कर सकते हैं। आपका आइडिया भी हो जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये तो कंडीशन थी ऑल इंडिया की। अब हम बात करते हैं स्टेट की। तो ये जो अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं ये ऑल इंडिया में ये कैटेगरी कंसीडर होगी। जब आप स्टेट का फॉर्म फिल करेंगे काउंसलिंग के लिए, तब उसमें आपको कैटेगरी पूछी जाएगी, तब उसमें आप अपनी कैटेगरी चेंज करके फिल कर सकते हैं। मान लो ओबीसी के हैं, जनरल में ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनाए तो जनरल में कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनाए तो जनरल में कर सकते हैं, तो उस समय कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। वो स्टेट की कंडीशन में है, ऑल इंडिया की कंडीशन में अभी कैटेगरी फिल की जा रही है, बाद में चेंज नहीं होगी। तो मैं सोचता हूं ये आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बुक को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। मिलेंगे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।